जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मोशन पार्ट फाइव, ठीक है। मोशन पार्ट फाइव में आज हम लोग लेके चलेंगे सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम क्लास सेवन में दिया हुआ है, सिक्स वाला को अब छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये 7, 8, 9 के लिए है, सिक्स वाला को अब छोड़ देते हैं। सिक्स वाला के लिए उतना ही सफिशियंट है, उतना काम कर लेगा अभी, ठीक है। नहीं, जिसको मन होगा आगे करना का अपना करेगा। तो सिंपल पेंडुलम करना है, ठीक। इसका एग्जाम्पल आपके घर में भी होगा, नहीं? पुराना जो पेंडुलम वाला घड़ी होता है, एक जगह टंगा हुआ रहता है, नीचे एक बल्ब रहता है और उसको टू एंड फ्रो मोशन होगा उसका, ठीक है। इस मोशन के बारे में आप पढ़े थे, और अभी तक जितना भी चारों पढ़े वो क्या था? अधिकांश रेक्टिलिनियर मोशन के लिए था, नहीं? इसलिए सिंपल पेंडुलम करना था। अभी हम लोग सिंपल पेंडुलम वाला उसका जो पॉइंट सब है, उसमें कौन कौन पॉइंट का यूज हो रहा है, जैसे एम्पलीट्यूड का, फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड का, इस सब का यूज होगा। पहले उसके बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद इसमें जो रिलेशन होगा उसके बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद इस पर जो न्यूमेरिकल बनेगा उसको कर लेंगे। इस प्रकार से मेरा सिंपल पेंडुलम वाला काम खत्म हो जाएगा। वैसे याद रखो, सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला है वह है टी इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक। टी, कैपिटल टी, इज इक्वल टू 2π, पाई कॉन्स्टेंट, √L/g, स्मॉल एल स्मॉल जी। स्मॉल एल हुआ लेंथ, माने जो रस्सी है आपका, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और जी हुआ एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब समझ गए, टी इज इक्वल टू 2π√L/g, यही फॉर्मूला है। टाइम पीरियड इसमें है, लेंथ है, क्या पाई कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू कितना होगा, 9.8 m/s², ठीक। अब हम आ जाते हैं सिंपल पेंडुलम के पॉइंट पर। ठीक, क्या है सिंपल पेंडुलम? चलिए, कहाँ गया जी मार्कर? ग्रीन कलर से हम इसका डायग्राम आपको बनाए हैं। अब एक एक चीज देखिए, ये है सपोर्ट, माने क्या है, छत में आपका जो छत है ये सपोर्ट है, यहाँ पर लिख दिया हम एस, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं SASOSB, ये आपका स्ट्रिंग है, माने क्या, रस्सी है, ठीक है। ये बॉब देख रहे हैं, क्या है ये बॉब, माने क्या, कोई बॉल। अच्छा, अब एक तीज चीज देखिए आप, यही ना हुआ। मान लीजिए इसको हम ए पोजीशन पर लाए, यही लुढ़क के कहाँ चला गया, बी तक, फिर आ गया यहाँ तक। अब समझ गए क्या चीज है, इसका लेंथ एल मान लिए, एस ओ हो चाहे एस ए हो चाहे एस बी हो, इसके लेंथ को क्या मान लिए हम लोग, एल। अब एक चीज देखिए कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो लेंथ माना जाएगा, ठीक। तो जैसे ये पूरा बॉब हुआ, नहीं, तो इसका जो सेंटर है उसके सेंटर से यहाँ तक का लेंथ, ऐसा नहीं कि यहाँ तक का लेंथ, नहीं, बॉब का जो सेंटर होगा वहां से यहाँ तक का क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हो गया। अब आ जाइए तो फिगर का काम, सिंपल पेंडुलम को डिफाइन कैसे करें। सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पॉइंट मास कॉल्ड बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय अ मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रिंग का जो मास होगा वह क्या होगा, बहुत कम, मासलेस तो संभव नहीं है, बहुत कम, एंड और यह
माने अति होने वाला नहीं होगा, क्या कहते हैं उसको, इनएक्सटेंसिबल, माने क्या, आप उसको नमार नहीं सकते, कहने का मतलब उसको और लेंथ बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे बहुत सारा रस्सी होता है ना कि कुछ भार दीजिएगा तो और वो एक्सटेंड करते जाएगा, नहीं, तो ये इनएक्सटेंसिबल होगा, यानी जो इसका लेंथ रहेगा लेंथ सेम टू सेम रहना चाहिए। अब है कि इसमें कौन कौन टर्म आता है, टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। पहला ऑसिलेशन, पहला पॉइंट क्या है मेरा, ऑसिलेशन, तो इसको दूसरा कलर से रखने पर क्लियर होगा। पहला पॉइंट क्या हम लोगों का, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है, कहता है वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, मान लो कि यहाँ पर पहले तो इस पोजीशन में है बॉल, स्थिर पोजीशन में, यहाँ से इसको हम छोड़े तो ओ से ए पर आया, ठीक, ए से फिर बी पर गया, अब बी से फिर ओ पर जब आ जाएगा तो यह हो जाएगा वन ऑसिलेशन, यानी क्या, एक सर्कल बना लेगा, नहीं क्या बना लेगा, एक सर्कल बना लेगा। जैसे मान लो कि इसी से देखो, ठीक, ये इसका मेन पोजीशन हो गया, ठीक है, मेन पोजीशन हुआ, यहाँ से इसको हम ले आए यहाँ पर, यहाँ से जो छोड़ेंगे तो फिर जाएगा इधर एक्सट्रीम पोजीशन पर, और वहाँ से फिर लौट के यदि यहीं आ जाएगा तो ये हो गया वन ऑसिलेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, वन ऑसिलेशन। अब आ जाइए, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। एग्जाम्पल फिगर में दिया हुआ है, क्या रेस्ट पोजीशन ओ से चला गया ए पर, ए से चला गया फिर बी पर, अब बी से फिर लौट के जब ओ पर आएगा तो कहलाएगा वन ऑसिलेशन, ठीक है। अब आ जाइए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जिसको कि हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहिए या उसको क्या कहिए, टाइम पीरियड, यह क्या है, तो यह है दिस इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मान एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है। तो वन ऑसिलेशन का मतलब क्या कि पूरा एक सर्कल, मान लो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट बी है, बी पर बी से ले जाके हम छोड़े तो बी से कहाँ गया, ए पर, ए से फिर कहाँ आया, बी पर, तो वन ऑसिलेशन हो गया। इसमें जितना टाइम लगेगा वह क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसको बोलेंगे, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, दिस इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, हो गया। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल टी, कैपिटल टी, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, और इसका यूनिट क्या होगा, एस, माने क्या, सेकेंड, टाइम पीरियड का यूनिट क्या हुआ, सेकेंड। अब समझ गया टाइम पीरियड क्या हुआ, वन ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा। जैसे मान लो बॉब बी पर है, यहां से हम छोड़े ए पर आया, ए से लौट के फिर आ गया बी पर, इसमें 10 सेकेंड लग गया, इसमें कितना सेकेंड लग गया, 10 सेकेंड लग गया, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड क्या हुआ, 10 सेकेंड। स्टॉप वॉच होता है ना, या घड़ी से वैसे भी देख सकते हैं, अब तो एक पर से घड़ी आ गया कि कितना समय लगेगा, 5 सेकेंड लगे, 4 सेकेंड लगे, 3 सेकेंड लगे, वह इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। अब आ जाए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का हिंदी क्या होता है, बारम्बारता, माने क्या, बार बार, तो किसका, ऑसिलेशन का, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यह क्या है, यह कहता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड। अब ध्यान दो बात, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, ऑसिलेशन किसको बोले थे, कि पूरा एक कंप्लीट चक्कर, मान लो एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोले थे, टाइम पीरियड। तो मान लो कि एक कंप्लीट चक्कर लगाने में इसको लग गया था 10 सेकेंड, तो वो 10 सेकेंड इसका टाइम पीरियड हो गया। अब हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहता है क्या कि 1 सेकेंड में कितना, ध्यान दो बात पर, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड। अब देखो 10 सेकेंड में एक, तो 1 सेकेंड में कितना, 1/10, 1 सेकेंड में कितना हो गया, 1/10, यानी इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 1/10, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 1/10। अच्छा अब इसका यूनिट निकालेगा, हाँ, तो 1/s, नहीं यानी क्या, s का पावर कितना, -1,
पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं हटर्ज, HERTZ, ये भी एक साइंटिस्ट थे, हटर्ज उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया, और सिंबल इसका होगा HZ, कैपिटल H स्मॉल Z, हटर्ज। हो गया, अब आ जाओ। अब है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ध्यान दिया ना बात पर, इसी में ध्यान दो। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी क्या, टाइम पीरियड और ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड क्या हुआ, टाइम पीरियड हुआ कि वन कंप्लीट रोटेशन में जितना टाइम लगेगा वह टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक। और फ्रीक्वेंसी हुआ कि एक सेकेंड में जितना बार वह घूमेगा वह उसका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब आ जा, दिखाई दे रहा रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, वही जो बोले हैं अभी। इफ टी इज टाइम पीरियड और एफ को मान लेते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से या एन से भी डिनोट किया जाता है, वो लिखे हैं कि नहीं, हाँ, द लेटर एफ और एन, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इफ टी इज टाइम पीरियड एंड एफ इज फ्रीक्वेंसी, तो मान लिया लेट इन टाइम टी सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या मान लिए, वन मान लिया कि टी सेकेंड में वन ऑसिलेशन हुआ, तो वन सेकेंड में कितना हो जाएगा, वन बाई टी। इसी वन बाई टी को क्या कहा जाता है, एफ या एन, नहीं, देन एफ इज इक्वल टू कितना, वन बाई टी, या टी इज इक्वल टू कितना, वन बाई एफ। हो गया। अब अगला पॉइंट आपका है एम्पलीट्यूड, अगला पॉइंट है आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है सो देखिए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू आइदर साइड, जैसे मीन पोजिशन इसका ओ हो गया, दोनों साइड या तो ओ से ए या क्या, ओ से बी, ओ से ए या ओ से बी, मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन का जो हुआ लेंथ ये क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। इस फिगर में ध्यान, इन दिस फिगर एम्पलीट्यूड इज ओ ए और ओ बी, ओ ए या ओ बी, इसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। इट इज डिनोटेड बाय ए, एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, और यह तो लेंथ हो गया इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। हो गया। अब आ जाइए इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये जो पेंडुलम का लेंथ क्या होगा, तो ये जो एल हम लोग माने थे यानी कि सपोर्ट से लेकर के बॉब का जो मीन पोजीशन होगा इसका जो लेंथ होगा वही कहलाएगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, इसको एल से डिनोट करेंगे और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, इसका यूनिट हो गया आपका मीटर। हो गया। अब हम लोग इससे आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग आ गए अगला पॉइंट पर। कहता है ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट था सिंपल पेंडुलम वाला, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सिंपल पेंडुलम, इसका एक्सपेरिमेंट जब किया गया यानी क्या, लेबोरेटरी में जब इसके बारे में देखा गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ा गया, उसके बीच में ग्राफ निकाला गया, तो ये एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ पॉइंट आया जो कि है, पहला पॉइंट है द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। ये कैसे आया, एक्सपेरिमेंट के बाद। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ यानी कि स्मॉल एल, इसलिए टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अंडर रूट एल। इसको मान ली हम लोग फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। सेकेंड, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इस सारा एक्सपेरिमेंट के बाद आया है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी टी प्रोपोर्शनल वन बाई अंडर रूट जी। इसको मान लिया हम लोग दूसरा, ठीक, मेरा इक्वेशन इसी पर आ जाएगा, लेकिन और जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो और के साथ तो रिलेशन होगा। तो तीसरा है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ मटेरियल,
या बॉब जो बडी है उसके मास पर टाइम पीरियड कोई प्रभाव नहीं करता है। चौथा, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑन आइदर साइड, यानी उसके एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड पर भी कोई असर नहीं करता है क्या टाइम पीरियड। और पांचवा है कि ग्राफ खींचा गया टी स्क्वायर वर्सेज एल, टी स्क्वायर और एल के बीच में जो ग्राफ खींचा गया और उसके स्लोप के बीच में, तो पाया गया ग्राफ ऑफ टी स्क्वायर वर्सेज एल एंड इट्स स्लोप इज फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट एट अ प्लेस एंड इक्वल टू 4π² / g। इसी को लिख दिया गया जी बराबर 4π² / slope ऑफ टी स्क्वायर वर्सेज जी। अब एक चीज देखो, हमारा काम तो इस दो से है, टी प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल और टी प्रोपोर्शनल 1 / √g। तो पहला और दूसरा से फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, टी प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल बाई जी, नहीं देन टी बराबर क्या प्रोपोर्शन को हटाएंगे, तो प्रोपोर्शन को हटाएंगे कोई ना कोई क्या लेंगे कॉन्स्टेंट लेंगे, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या लिया गया 2π √L/g। यही मेरा फॉर्मूला हो गया, टी हो गया टाइम पीरियड, पाई का वैल्यू कितना 22/7, एल हुआ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जी हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हो गया। यही मेरा रिलेशन था, इसी रिलेशन को पढ़ने के लिए हम लोग इतना देर से समझ रहे थे। अब आ जाइए एक सेकेंड पेंडुलम, वो था मेरा सिंपल पेंडुलम, उसी के साथ साथ एक क्या आ गया सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम, ए पेंडुलम विथ अ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू 2 सेकेंड, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना होगा 2 सेकेंड, वह कहलाएगा सेकेंड पेंडुलम, हो गया। चल अब हम लोग इसे आगे बढ़ें। देखो एक क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले इस फिगर को समझो। हम लोग जो बॉब को नचाए थे, यहाँ छोड़े थे, वहाँ के बाद फिर मीन पोजीशन पर आ गया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ गया, तब ना वन ऑसिलेशन हो जाता था, तो उसी को दर्शाया है। मान लो कि मीन पोजीशन, ये क्या हुआ ग्राफ पर, ये मीन पोजीशन हुआ, ये एक तरफ का एक्सट्रीम और ये क्या हुआ दूसरा तरफ का एक्सट्रीम, और फिर आ गया कहाँ पर मीन पोजीशन पर, बात समझ गया, ये मेरा मीन पोजीशन हो गया, ध्यान दो ये मेरा क्या हुआ मीन पोजीशन, ये मान लो कि एक तरफ का एक्सट्रीम पोजीशन है, फिर वहां से कहाँ है मीन, फिर दूसरी तरफ के एक्सट्रीम पर और फिर आ गया मीन, यानी यहां से यहां जो हुआ नहीं लग रहा है एक सर्कल, हाफ हाफ पूरा मिला के वन सर्कल हो गया। अच्छा इसी प्रकार से ही जाते जा रहा है। अब ग्राफ समझ गया, ई वाई एक्सिस और ई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लिया किसमें सेंटीमीटर में, ये क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस पर टाइम लिया किसमें सेकेंड में, टाइम इन सेकेंड, ये ग्राफ खींच लिया, ग्राफ अब आगे पढ़ना है। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन हमको दिया गया, मेरे पास इतना ही समय था इसीलिए इसी को किए, आगे फिर और न्यूमेरिकल करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम बॉब, इसका टाइम पीरियड निकालना है। अब याद करो टाइम पीरियड किसको कहे थे, अब याद कीजिए, आप तो अभी पढ़े हैं ना, टाइम पीरियड किसको कहे थे, टाइम पीरियड किसको कहे थे याद कीजिए, एक पूरा कंप्लीट नहीं ऑसिलेशन में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, यहां से फिर यहां आया, फिर दूसरा एक्सट्रीम पोजिशन, फिर यहां पर आएगा, यह ना हुआ वन ऑसिलेशन। तो इसमें कितना टाइम लगा, यहां क्या लिखा हुआ है 6 यानी 6 सेकेंड, यानी टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम बॉब कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। एक काम, दूसरा काम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय द बॉब इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना क्या किया ऑसिलेशन हुआ 1 सेकेंड में। अब देखो अभी क्या बनाया है, 6 सेकेंड में क्या हुआ वन ऑसिलेशन, तब ना उसका वह टाइम पीरियड कहलाएगा। तो 6 सेकेंड में 1, तो 1 सेकेंड में कितना 1/6, नहीं समझ गए बात, ये क्या हो जाएगा 1/6 ऑसिलेशन। अब तीसरा है,
क्या कह रहा है तीसरा, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम बॉब, एम्पलीट्यूड कितना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अति डिस्टेंस नहीं लिखे हैं क्या? हाँ लिखा हुआ, एम्पलीट्यूड एक चीज नहीं लिखे, यहाँ नीचे 15 है, यहाँ ऊपर भी क्या है 15 है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 15 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड क्या क्या बोले थे, मीन पोजीशन से किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर जो जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। यानी ओ से यहाँ गया चाहे यहाँ से यहाँ आया, ये क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। ये कितना दिया हुआ 15, यानी हो जाएगा 15 cm, ठीक है। अब आ जाइए 4 नंबर पर, फ्रॉम द गिवन फिगर द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय द बॉब एट द एंड ऑफ 21 सेकेंड, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21 सेकेंड है। तो क्या पूछ रहा है, फ्रॉम द गिवन फिगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय द बॉब एट द एंड ऑफ 21 सेकेंड, 21 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, ठीक, यानी कितना सर्कल बना, यही ना, तो ये मेरा हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल, एक ऑसिलेशन यहां तक, फिर ये मेरा हाफ सर्कल, हाफ सर्कल मान लो, दूसरा दो ऑसिलेशन, फिर यहां और यहां 3 ऑसिलेशन, और फिर हाफ ही पर रह गया, ये कितना हुआ 3.5, कितना ऑसिलेशन 3.5 ऑसिलेशन। अब समझ गए बात, अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं, मन बना के सिंपल चीज हो गया। अब आगे लेकिन इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, एक अगला इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, तब हम लोग चले जाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन, एक और इसमें बनेगा, ठीक। चलिए, जय मां बंगला मुखी।